डायबिटीज अर्थात मधुमेह। बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा जो भारत देश है, जहाँ पर लोगों को पहले इस बीमारी का पता भी नहीं था, आज की डेट में इतने ज़्यादा मरीज भारत में डायबिटीज़ के हैं। और आपको जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो कहेंगे कि डायबिटीज़ को सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं और ऊपर से इंसुलिन देते रहेंगे और आपका बेड़ा गर्क कर देंगे, और कोई नहीं कहेगा कि डायबिटीज़ को आप 100% क्योर कर सकते हैं। लेकिन जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा में जाते हैं, अगर आप चाहें तो जैसे कि हमारा जो स्वदेशी इलाज है, जो बाबा रामदेव जी भी कर रहे हैं जिस तरह के इलाज, उसमें आप देखिए कि जो पेशेंट हैं डायबिटीज़ के, एकदम 100% बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं, एकदम क्योर हो जाती है। आज का जो वीडियो है मैं बहुत छोटा बना रही हूँ, सिर्फ आपको एक या दो उपचार बताऊंगी। मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत लंबे वीडियो डाल देती हूँ। मैंने डायबिटीज़ को लेकर एक पूर्ण संपूर्ण उपचार को लेकर मैंने एक आधे घंटे का वीडियो बनाया है लगभग। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। पर क्योंकि लोग आजकल, सबको बहुत जल्दी चाहिए हर चीज़, बहुत इंस्टेंट चाहिए, खाना भी इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, सब चाहिए, जिसके कारण उनको डायबिटीज़ है, तो उनको वीडियो से बिल्कुल इंस्टेंट चाहिए कि बस एक दो रेमेडी बताई फिर चलो हम दूसरे पे चले जाते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपके साथ ये जो वीडियो है इसीलिए बना रही हूँ कि मैं आपको एक या दो रेमेडी बताऊँगी, संपूर्ण इलाज मैं नहीं बता रही हूँ आपको। संपूर्ण इलाज देखना है तो आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए डायबिटीज़ का, जो बड़ा वीडियो है उसको देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि आप किस तरह से संपूर्ण क्योर हो सकते हैं डायबिटीज़ से। ठीक है, अभी जो दूसरा उपचार है मैं आपको बता देती हूँ। ये उपचार भी बहुत कारगर है। इसमें दो तरह की बातें हैं, एक तो जिनको प्रारंभिक अवस्था के अंदर है और एक जिनको बहुत ज़्यादा शर्करा बाहर आ रही है मूत्र के साथ में। इस विषय पर आज के इस जो एपिसोड में, वीडियो में आपसे चर्चा करूंगी। नमस्कारम, मैं हूँ प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ। सनातन भारत परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। आज का जो उपचार है उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे जामुन के पत्तों का। जामुन का जो पेड़ होता है, जामुन, उसके जो पेड़ के जो हमको पत्ते लेने हैं, जो पहला वाला उपचार है जिसे मैं कह रही हूँ कि जिनको डायबिटीज़ हो गई है और जिनको मूत्र के साथ में शर्करा भी बहुत बाहर जाती है, बहुत शुगर भी निकलती है, बहुत कमजोरी फील होती है, उनके लिए है ये। तो उनको 10 दिन तक ये उपचार करना है, फिर उसके बाद में वो लोग 10 दिन के बाद में 2 महीने तक रुक जाएं, 2 महीने बाद फिर 10 दिन करना है, फिर रुक जाएं, फिर 2 महीने बाद फिर 10 दिन करना है। इसके लिए उनको जामुन के पेड़ की 4 पत्तियां लेनी है। पत्तियां हरी हरी हों और कोमल हों, नरम पत्तियां हों, बहुत ज़्यादा पकी हुई मतलब वैसी पत्ती ना हो, कोमल पत्तियां लें 4। फिर उसको बहुत अच्छे से आपको सिलबट्टे पर रगड़ना है, ध्यान रहे उबालना नहीं है, रगड़ना है। सिलबट्टे में बहुत अच्छे से रगड़िए, मर्दनम गुणवर्धनम, अच्छे से खूब रगड़ रगड़ कर फिर आप लगभग 60 ग्राम पानी के साथ में उसको छान कर उसको पीना है। कुछ नहीं मिलाना है, कोई नमक शक्कर या फिर कोई चीज़ नहीं मिलानी किसी तरह की। 60 ग्राम पानी में आप लगभग उसको मिला लीजिए बस, और उसको अच्छे से रगड़ के छान के फिर उसका आपको सेवन करना है, अच्छे से छान छान करके 10 दिन तक करना है, फिर रुक जाइए। फिर 2 महीने के बाद में फिर दोबारा आप 10 दिन के लिए प्रयोग कर सकते हैं लगातार। ये पहली बात थी। अब दूसरी है कि जिनको डायबिटीज़ अभी एकदम प्रारंभिक अवस्था में है, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि प्रातः काल के अंदर 4 जामुन की पत्तियों को अच्छे से चबा चबा के खाएं, कोमल पत्तियों को, और सायं काल में भी 4 जामुन की पत्तियों को अच्छे से चबा चबा करके खाइएगा। लगभग 3-4 दिन के अंदर ही आप ये टेस्ट करवाते रहिए, क्योंकि आपको फायदा नहीं लगता है इससे, फिर से आप टेस्ट करवा लीजिए। और ये भी उपाय बहुत लंबा नहीं करना है, 10 दिन कीजिए, उसके बाद में रुक जाइए, फिर कुछ दिन रुकिए, फिर आप फिर से कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये जो है बहुत प्रभावकारी उपाय है, तो इसको रुक रुक के करना है। मैं नहीं चाहती कि आपका जो लेवल है बिल्कुल ही गिर जाए, आपको हाइपोग्लाइसिमिया में आप चले जाए, ऐसा भी नहीं करना है आपको। आशा करती हूँ कि आपको इससे मदद मिलेगी, आपको स्वास्थ्य लाभ मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। अभी के लिए आपसे विदा चाहूँगी, जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद।